हमारा प्राथमिक विद्यालय है सूर्यनगर में, सूर्यनगर आगरा में। आपको कुछ सामग्री मिली होगी शायद। हाँ जी, सामग्री मिली थी, उसका हम जल्दी ही आपको दिखाएंगे बच्चों का प्रयोग करते हुए। हाँ, मौका मिले तो एक बार वंदना जी से बात कर दीजिए, वो हर एक आइटम के बारे में। हाँ अच्छा, हाँ जी, ठीक, कहानियां है, पजल गेम है, विज्ञान है, बहुत कुछ है इसमें। हैं छोटी छोटी चीजें, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। टीचर अगर रुचि से करे तो एक छोटी सी चीज से बहुत कुछ बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। जैसे वो पजल गेम्स हैं तो उसमें हाँ जी, तो ये बताया जा सकता है कि जो टुकड़े हैं उनकी अपने आप में कोई इम्पोर्टेंस, कोई महत्व नहीं है उनका, उनका कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन जब आपकी सोच उनको जोड़ती है तो हर एक टुकड़ा कीमती हो जाता है, और जब तस्वीर पूरी हो जाती है तो आप एक टुकड़ा भी हटा के तस्वीर पूरी नहीं कर सकते, वो पूरक बन जाता है। इसी तरह समाज में भी होता है, इसी तरह अपनी मानसिकता में भी होता है कि अलग अलग छोटे छोटे विचार उनका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब जुड़ के एक संगठित विचार आते हैं, उसका आगे कुछ करने की भावना आती है, तब सभी आपके तथ्य और विचार सब एक साथ जुड़ के आपको उस लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। ऐसी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हाँ ऐसी बहुत सी बातें हैं। और कहानियों में ऐसा होता है कि कहानियों में वो घटनाएं होती हैं जो आपके जीवन में नहीं होती, बच्चों के जीवन में नहीं होती, लेकिन हो सकती है। तो इससे एक विकल्प, भविष्य के विकल्प की संभावना जगती है कि अभी समाज में कुछ खराबियां हैं, कुछ हिंसा है, शोषण है, जो भी है, बहुत से युद्ध चल रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आगे चलकर भी हो। हम एक सभ्य, सुसंस्कृत और वैज्ञानिक हर रूप से एक समाज बना सकते हैं, जो भी नहीं है। तो एक हाँ नई सोच, मानसिक विस्तार और दूरदर्शिता जो दिख नहीं रहा है, जो लगता नहीं है कि संभव है, वो भी हो सकता है। ये हो सकने की भावना ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जो होता है वो तो हमारी पिछली पीढ़ियों ने किया है, वो अब हमारे सामने हो रहा है उसका परिणाम, लेकिन हम उसको बदल सकते हैं। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। आप वंदना जी से आपका परिचय नहीं हुआ है शायद। हम फोन पर बात कर चुके हैं हाँ आपसे। देखिए सामने आ गई। हाँ हुआ है, अभी हुआ है? अच्छा, हाँ फोन पे हुआ। भी हुआ है, पहले भी हो चुका है, काफी देर तक इस विषय पे बात हुई है हम हमारी आपस में वंदा बात जी कर से। हाँ चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छे से समझाया था उन्होंने, कछुए हाँ और खरगोश की कहानी बहुत अच्छे से समझाई हाँ खरगोश की कहानी, वो बहुत सी कहानियां थी। हैं। असल में मेरा जो करीब 650 वीडियो है इन विषयों पर, अच्छा, तो हाँ उसमें जी, एक प्लेलिस्ट है रेजिंग इंटेलिजेंट किड्स, उसमें 10-15 और कहानियां हैं। तो हम यहाँ पे क्लास करते हैं नियमित रूप से हर सप्ताह, कहाँ पर हैं आप इस समय? अच्छा, वर्जीनिया यूएसए में। बिल्कुल, हाँ यहाँ पे एक स्कूल और कल्चरल सेंटर की स्थापना हमने की थी करीब 43 साल पहले, जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, तो उनके लिए की थी। अब उनके बच्चे भी आते हैं हमारे में, नाती पोते भी आते हैं। बहुत नरेंद्र जी, नरेंद्र जी का भी ऑडियो ऑफ है, प्रिया का ऑडियो ऑफ है। हाँ नमस्कार इवनिंग सर, सर, गुड नमस्ते, इवनिंग सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्ते प्रिया मैम, नमस्ते नरेंद्र भैया, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते मैडम, नमस्ते। प्रिया नमस्ते, जी दर्शन कैसे दीजिए। हैं? नहीं।
प्रणाम सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आज तो लालिमा छा गई। मीटिंग्स। और सर कैसे हैं आप? ठीक और ठीक है। हाँ है। कितने लोग जुड़े हैं मीटिंग अभी तो से अभी? अच्छा, सात सात लोग हैं अभी, तो जुड़ेंगे। इस बीच मैं सोचा शुरुआत मैं कर देता हूं। एक यस सर, विषय बहुत। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा है, वो ये है बच्चों द्वारा लिखी हुई कहानियां। हाँ सर, मेरी बहुत सालों से ये कांक्षा रही है कि वो जब आपके कुछ स्टूडेंट्स और आप औरों के और भी अध्यापकों के जब कहानियां लिखी बच्चों ने, 8 10 12 साल के बच्चों ने, तो जी मुझे वो सपना फिर से जगा कि इन कहानियों को एकत्रित करके हाँ सर, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। बहुत एडिट करके एक पुस्तक पब्लिश की जा सकती है, बच्चों की कहानियां बच्चों द्वारा। यस सर, बहुत अच्छा, जैसे बहुत कौन सी अच्छा। जैसे संविधान में लिखा जाता है ना, ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, जी, तो बच्चों की कहानियां बच्चों द्वारा, इस तरह का शीर्षक डाल के एक एक दो दो पेज की कहानियां हो, अगर 40 50 इकट्ठी हो जाती हैं, लगभग 100 पेज के करीब, 90 100 पेज, तो उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी बहुत सी कहानियां लिखी हैं। और बल्कि एक कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी कि उस पर मैंने एक फिल्म बना दी। लेवल डिसाइड होना चाहिए। लेवल ये है कि हाँ जैसे मतलब, 6 7 साल से लेके 12 15 हाँ साल तक के, मान लीजिए वही 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 15 16 साल, तो वो कहानियां जैसी भी होती है ना, हो सकता है वो बहुत उच्च स्तर का साहित्य ना हो, लेकिन उसमें सोच होती है, संभावना होती है, तो उसको एकत्रित करके एक पुस्तक के रूप में हम पब्लिश करवाना चाहते रहे। सर, मैं आज एक उसमें ट्रेनिंग में गई थी। FNL की ट्रेनिंग चल रही है हम लोग की, बेसिक शिक्षा विभाग में। हाँ तो वो जो ट्रेनिंग थी, तो उसमें बच्चे द्वारा जब मैंने ये बात बताई कि मेरे बच्चे कहानियां लिख लेते हैं अपने से, क्लास 3 के बच्चे, क्लास 4 के बच्चे, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य सा लगा। तो उन्होंने कहा कि दिखाएंगी आप हमें। तो हम आज ले गए थे उन्हें दिखाने के लिए, आज नहीं कल ले गए थे दिखाने के लिए। तो बहुत ही, मतलब वो कह रहे थे कितनी सुंदर कहानी और कितना अलग कॉन्सेप्ट इसने डाला बिल्कुल है, तो वही चाहिए हम। हम सोच नहीं सकते। तो मैम, इसको आप छपवाइए कहीं। उन्होंने खुद कहा कि इसे आप कहीं छपवाइए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम बोल आज यही बात ही चल रही थी अभी, तो मैं सोच तब तक आप ये बात पे चर्चा कर दिए, यही बात हाँ चल रही थी आज। हाँ, हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे हाँ अलग ढंग से सोचते हैं, हम लोग से ज्यादा अच्छा सोचते हैं। तो इस एक कहानी मेरी नतनी ने लिखी थी जब वो 7 साल जी की थी, तो उसपे एक फिल्म बना दी हमने, एनिमेशन, 3 डायमेंशनल एनिमेशन की, फ्रॉम टीयर्स टू स्टार्स, आंसू से बने तारे। तो उसने ऐसी कहानी लिखी थी, अद्भुत कहानी, कि एक बेबी गैलेक्सी है, उसमें एक जो है वो छलांग लगा रहा है, उसके पांव छोटे हैं, लेकिन वो सब कुछ जानना चाहता है, तो एक उल्लू आ जाता है, उल्लू रात में भी देख सकता है, तो दोनों आपस में बात होती है, तो उसमें एक वेदांत की एक छवि दिखती है और ब्रह्मांड की सोच पैदा होती है मन में। तो वो उसपे उसको कई अवार्ड मिले हैं, इंटरनेशनल अवार्ड। 3 मिनट का है वो, आप देखिएगा, मेरे चैनल पे है, आंसू बने तारे, सर, आपका चैनल किस नाम से? नमस्कार नरेन जी नमस्ते। नमस्कार सर, मैंने किया आप साथ सुन नहीं पाए। हाँ चैनल सर, लिंक जो है चैनल यूट्यूब का आपका किस नाम से है? हमारे नाम पे है, योगाचार्य धनंजय कुमार।
अच्छा अच्छा जी जी सर हाँ जी, वो यूट्यूब चैनल, उसमें करीब 650 वीडियो हैं। ओके ओके सर, हाँ शिक्षा से संबंधित, साहित्य से संबंधित, संगीत से, विज्ञान से, उसमें एक प्लेलिस्ट है जिसमें करीब 200 वीडियो हैं। वो है बच्चों की शिक्षा के बारे में, उसमें बहुत सी ओके कहानियां हैं और उसमें ये वीडियो भी है, आपको मिलेगा, आंसू बने तारे फ्रॉम बच्चों के टीयर्स। लिए बहुत अच्छा हाँ रहेगा तो सर ये अभी वीडियो। अभी प्रिया जी आई तो बात कर रहे थे कि एक पुस्तक हम पब्लिश करवाना चाहते हैं, बच्चों द्वारा लिखी कहानियां, क्योंकि अब तक जहां तक मैं जानता हूं कि 10-15 कहानियां लिखी जा चुकी हैं बच्चों द्वारा। कोई टेक्निकल रजनीश, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक, अभी कुछ वो कांप रहा था आवाज। नेटवर्क प्रॉब्लम था। नहीं हाँ चलिए ठीक है, तो प्रिया जी और अन्य सभी अध्यापकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को प्रेरित करें कहानियां लिखने के लिए, कोई जल्दीबाजी में नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते जब भी, तो इस साल के अंत तक अगर हमें 40-50 कहानियां मिल जाती हैं तो थोड़ा बहुत उसका एडिट संशोधन करके उसको एक पुस्तक के रूप का रूप दिया जा सकता है। तो ये मेरा सपना रहा है और अब मैं देख रहा हूं उसको साकार होते हुए। तो आप लोग इस अभियान से जुड़िए, बच्चों द्वारा कहानियां लिखवाइए, उनको भी अच्छा लगेगा आगे चल के और समाज में एक ये अद्भुत सोच पहुंचेगी, समझ पहुंचेगी कि बच्चे ऐसा कर सकते हैं। हम बच्चों को बच्चा मान लेते हैं, वो तो ठीक है एक तरह से, लेकिन बच्चे जो हैं कभी कभी बड़ों से भी दूर की बात और बड़ी बात सोचते हैं। वो एक हमको एक शेर याद आ रहा है, नाम नहीं याद आ रहा है शायर का, बच्चों के छोटे हाथों को, सुन रहे हैं आप लोग, जी हाँ जी जी बच्चों सर जी के सर बिल्कुल छोटे हाथों सर, को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। बहुत छोट अच्छी बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। फिर हम सोचने लगे चांद सितारे बहुत दूर है, हम छूने उनको छूने की सोच भी नहीं सकते, ये तो हो नहीं सकता, ये हमारे बस में नहीं है, हम क्या करें, मजबूर हैं, लाचार हैं। ये मानसिकता जो है ना, ये बड़ों के अंदर आती है, बच्चों के अंदर नहीं आती, हमें उसी को आगे बढ़ाना है। ऑडियो सबका ऑफ लग रहा है, आप लोग आए नहीं कुछ सर, बोले, ऑन 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 है ऑडियो, सुन ऑड है? अच्छा नहीं, और मैं ऑफ देख रहा हूं कुछ लोगों का, तो मैं वंदना जी से निवेदन करना चाहूंगा, हाँ जी प्रणाम। हाँ, कि आप जो है पिछली यात्रा जो हुई थी अगस्त अगस्त में, और हम लोग कई जिलों में गए थे, वहां पे अधिकारियों से मिले, सीनियर ऑफिसर्स से मिले, प्रिंसिपल, टीचर्स, और जी बहुत से स्कूलों में गए भी, 2 स्कूलों में वृक्षारोपण भी किया, एक पेड़ माँ के नाम उस अभियान में भी भाग लिया। तो अंत में उसका नतीजा ये निकला, उसके 2 रूप सामने आए, एक तो हर जगह हमें उत्साह दिखा, जो कॉन्सेप्ट हम पहुंचाना चाह रहे हैं स्कूलों तक, अध्यापकों तक, बच्चों तक, वो समझ में आ गया और बहुत से रिक्वेस्ट आए कहीं कहीं जिलों से, तो कि हमारे जिले में 2,500 स्कूल हैं, हम चाहते हैं कि सभी स्कूलों में ये लागू हो। ये लागू होना मतलब ये कोई मजबूरी नहीं है, शिक्षा प्रणाली और जो टेक्स्ट बुक है ये सब चलता रहेगा, उससे कोई उसमें दखल नहीं है,
अब सप्ताह में एक या दो दिन आधे घंटे पौन घंटे की क्लास अलग 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 टीचर्स अलग अलग ग्रुप के साथ कर सकती हैं। हमारी सामग्री जो भेजी जाएगी किट उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। शुरू में एक स्कूल एक टीचर प्रिया जी थी, उनका हम बहुत ही सम्मान करते हैं, और अब लगभग 50-60 स्कूल अध्यापक जुड़ चुके हैं। तो वंदना जी थोड़ा बताइए कि पिछली बार के बाद यानी पिछले 1 महीने में बहुत लोगों से संपर्क हुआ है आपका दोबारा तिबारा, तो और लगभग कितने स्कूलों में पहुंच हो चुकी है, किट भेज दिया गया है, संपर्क हो चुका है, कुछ संक्षिप्त विवरण बताएं। हमारे पिछले यात्रा के बाद लगभग 20-25 स्कूलों में अभी तक हम भेज चुके हैं, और भी कई स्कूलों का हमारे पास, लगभग 20 स्कूलों का हमारे पास अभी एड्रेस आ चुका है भेजने के लिए। कुछ किताबें अवेलेबल नहीं है, कुछ पजल थोड़ा सा नहीं है, हमने मंगाया है, आ जाते हैं फिर हम उन्हें भेजते हैं। और सारे जितने स्कूलों में हम सामग्री भेज रहे हैं वो सब स्कूल के टीचर एक्टिव हैं और उत्साहित हैं और करती हैं, उसका रिस्पांस भी धीरे धीरे आ रहा है। जो नहीं भेज पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, उनसे हमारा संपर्क होता रहता है। वो कहती हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसको करेंगे और उसको वीडियो और फोटो ग्रुप में सेंड करेंगे। जैसे मथुरा में, रुड़की में, आपका जौनपुर में, बस्ती में, प्रयागराज में, सुल्तानपुर में, यहाँ सभी स्कूलों में लगभग भेजा जा चुका है और भी आगे भेजा जाएगा। और कई जगह जिला अधिकारियों ने हम उनसे भी जी मिले, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी मिले, और बीएसए जी और एडी सबसे मिले। जी हाँ, तो उनमें बस्ती से के अभी, एडी ने कहा हाँ आइए, हाँ हाँ उनमें बस्ती से के अभी एडी ने कई, कहा कि आइए हम आपका बड़ा ग्रुप में इसका कराते हैं, हाँ। लगभग 100-200 स्कूलों में हम चालू करा देंगे, बस्ती के एडी ने बोला है। तो वो जब हम चाहेंगे तब वो हमारी मीटिंग करा देंगे, वो वहाँ भी संभव होगा। भैया प्रणाम, कौन? भैया भाभी प्रणाम। म्यूट है आपका, म्यूट है भाभी, म्यूट है, म्यूट है। सुधा भाभी है, म्यूट है आवाज ओ उनकी। अच्छा, सुधा जी प्रयागराज में ममफोर्डगंज। जी अच्छा आपका, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। चलिए तो ये रही प्रणाम प्रणाम, कहानी। हाँ चलिए चलिए, नमस्ते। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, चलिए। हाँ अरे विमलेंदु जी हाँ चलिए हाँ बहुत हाँ अच्छा। वंदना बोल लो, हम सुन रहे हैं। हाँ, तो बोल रहे थे कि बस्ती के एडी बहुत समझे इस चीज को, कंसेप्ट वो समझ पाए और बोले कि आइए हम आपका बड़े स्तर पे कस्तूरबा स्कूलों में हम आपका ये चालू करा देंगे। 150-200 स्कूलों में एक साथ चालू किया जा सकता है। हमारा कंसेप्ट है कि 150-200 स्कूलों में जबरदस्ती लागू ना हो, जिन स्कूलों में टीचर एक्टिव है, इस कंसेप्ट को समझ पा रही है, वो इसको धीरे धीरे चालू करें, धीरे धीरे करें। हमारा प्रयास धीरे धीरे लगातार बना रहे, यही प्रयास मतलब हम कछुआ बनना चाहते हैं, खरगोश नहीं। है। तो और आप लोगों के मन में कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, कुछ किसी भी विषय पर शिक्षा संबंधित, खासतौर से बच्चों के विकास में? बच्चे इंजीनियरिंग और साइंस में भी इस माध्यम से बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं। जब हमने देखा बच्चे जो है अपना वो कूलर फैन बना लिए, गर्मी हाँ, बहुत बहुत थी ना इस गर्म। साल, गर्मी बहुत थी तो एक बच्चे ने कूलर फैन बना दिया, फिर एक बरसात जब हुई तो उसने छतरी बना दी। प्रिया मतलब प्रिया मैम के स्कूल के बच्चे हैं। हाँ, मतलब कोई समस्या आती है उसका समाधान खोज लेते हैं, छोटा ही सही। इसका पूरा योगदान प्रिया मैम को जाता है, जिन्होंने बच्चों को इतना ज्यादा उत्साहित कर रखा है। जी बच्चे जी जी हर समस्या का जी जी समाधान तुरंत निकाल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है प्रिया जी, धन्यवाद बहुत मैम, धन्यवाद मैम। मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि सर अभी ने बताया,
अभी बताया सर ने कि कहानियों की एक बुक वो छपवाना चाहते हैं बच्चों की स्टोरी की, तो मुझे लगता है ये आइडिया बहुत अच्छा है, जिससे हमारे बच्चों को भी अप्रिशिएट होंगे हमारे बच्चे, और बिल्कुल टीचर भी बिल्कुल अप्रिशिएट होगा कि उसने बच्चे को कुछ दिया जिसके माध्यम से बच्चे ने इतना जी अच्छा किया, जी और ये हम सब लोगों के जी लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, तो इस पे हम लोग को आगे कदम बढ़ाना चाहिए बिल्कुल। और और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व में ये प्रचलन आएगा कि बच्चों का जो सोच है, विचार हाँ है, मानसिकता है, क्योंकि उसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि सर मैं अभी एनसीईआरटी की बुक देख रही हूँ, जो बुक का कॉन्सेप्ट है अभी हम लोग ट्रेनिंग करके आए हैं जस्ट, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग लिखे हैं उससे अच्छा हमारे बच्चे लिख रहे हैं। वाह मैं ये बात बहुत सही एकदम बहुत बोल रही हूँ, अच्छे से मैं एकदम आपको भेजूंगी, आप उस स्टोरी को अच्छे से पढ़िएगा सर। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चों के अंदर इतना कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम लोग जब पब्लिश कराएंगे तो ये बड़े स्तर पे जा सकते हैं, एक छोटा बिल्कुल बच्चा ही बहुत बड़ा राइटर बन सकता है और बहुत आगे बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, तो इस पे हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और बच्चों को थोड़ा हम लोग को एकदम अपने से सोचने पे विवश करना है कि अपने से सोचो अपने से निर्णय लो, रटने वाली पद्धति को हटाना है ज्यादातर, कि जो अभी तक चली आ रही है पद्धति की, हाँ बस रटना है। अरे ठीक है, चीजों को समझ लिए, और मैं जितने भी टीचर्स इसमें जुड़े मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी, अगर बच्चा किसी चीज का आंसर सही लिख रहा है, मतलब अगर उसका कॉन्सेप्ट सही है, तो उसको प्लीज सही पूरा आंसर नंबर दीजिए, ये नहीं कि हाँ बच्चे ने मैम एकदम आजकल मैम कॉन्सेप्ट पे ही नंबर दिया जा रहा है, आंसर पे नंबर नहीं दिया जा रहा ले। है। हाँ वही बात है, वही बात है। मैथ का उन्होंने कैलकुलेशन किया, आंसर सही है तो उस पर स्टेप हाँ मार्किंग हो ही गई है, अगर उसने सही मतलब हाँ दिशा में मैथ लिख की तो बात रहा थोड़ी है अलग, तो मैथ की बात, हाँ हाँ मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, थोड़ा मैथ का तो भाई उसका तो एकदम फैक्ट्स हाँ रहता है, नहीं वो है। नहीं लैंग्वेज में भी यही है कि अगर उसने भाव को समझ लिया है और चीजों को हाँ पकड़ के आंसर दिया है तो फिर उस पर नंबर हाँ दिए जाते हैं। जी हाँ जी नहीं, बिल्कुल हम तो इस युग की कल्पना में हैं जहां ये नंबर और ABCD ये सब बंद हो जाए, ना, बंद हो हाँ, जाए, कि बिल्कुल उससे बिल्कुल, बच्चों की तुलना हाँ ये दूसरे है, से नहीं, कि किसी से नहीं, हर यूनिक बच्चा अपने आप में एक अकेला होता है। यूनिक है, बिल्कुल तो बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि उसको ज्यादा नंबर मिल गए, इसको कम मिल गए, अच्छा, जैसे प्रज्ञालय का जो कॉन्सेप्ट है, हमने बहुत लोगों से सीखा है, भारत में, पूरे विश्व में, पूरे इतिहास में, उसमें ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा है जद्दू कृष्णमूर्ति से। वो इस बात को बहुत अच्छी से समझाते हैं कि अगर जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर आते हैं वो बर्बाद हो जाता है, कैसे, उसके अंदर ये सही बात अहंकार होता है कि अरे अब तो हम हो गए, अब तो इसके आगे कुछ है नहीं, है, हाँ औरों के प्रति घृणा पैदा होती है, अरे ये लोग तो छोटे हैं, हम जी तो बहुत तो स्मार्ट बिल्कुल हैं, सही, तो ये विभाजन वहां से शुरू होता है, हम बड़े हैं ये छोटे हैं, तो उनका अहंकार उनको बर्बाद करता है और आत्मग्लानी औरों को बर्बाद करती है। हमने पूरे विश्व के शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया है, उसमें सिर्फ एक देश ऐसा है जहां पे कभी भी कोई एग्जामिनेशन, टेस्टिंग, ग्रेडिंग कुछ नहीं होता और होमवर्क भी नहीं होता, और बच्चे जो हैं इंटरनेशनल जब कंपटीशन होता है, एक बार हाई स्कूल का एक बार एग्जामिनेशन होता है पूरे 10-12 साल में, उसमें वो बच्चे पूरे विश्व में सबसे नंबर वन पे रहते हैं हमेशा। सर बात कर रहे हैं, पिछले 20 साल से वो एग्जाम होता है विश्व स्तर पर, उसमें 150-200 देश के हाई स्कूल ग्रेजुएट भाग लेते हैं, तो उसमें उस देश में 1, 2, 3, 4, 5 शुरू के जो पांच हैं, तीन चार वो लगभग एक ही देशों से आते हैं, चार ये पांच देशों से। हमारे पंचतंत्र किट में की, जो है ज्यादा सार्थक है पंचतंत्र और की भारत से कहानियां उसमें जुड़ी हुई है। शामिल हैं, क्योंकि उसका जब हाँ मैंने अध्ययन किया, वो विष्णु शर्मा ने जो मध्य प्रदेश के हाँ किसी उसमें थे, तो पहली पंचतंत्र की कहानी का भी हमने जिक्र किया है अपने एक वीडियो में, कि और वो उपनिषद नहीं, उपनिषद की कहानियां भी, उपनिषद पुराणों पौराणिक कहानियां भी हैं, लेकिन पंचतंत्र की पहली कहानी कौन थी, मिट्टू यहाँ ये तो शुरुआत उसके कहां थी, उस कहानी की भी एक कहानी है, नहीं। और बहुत सी कहानियां। अरे शांतिका आ गई, प्रणाम करो,
आपने वो पियानो एक नमस्ते सबसे छोटी स्टूडेंट है वो क्या आपने लगी। आपने वो पियानो कीबोर्ड बजाना हाँ शुरू किया पियानो बजाया ना, बता दो दादाजी को। अभी बजाया ना? सो के उठी है, मूड थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक कोई हफ्ते के लिए ये लोग आए भैया। बात। अच्छा, हाँ, देख लिया इन्होंने पियानो अपना। हाँ, देख लें उसको बजाने दे लगे। हाँ, तो मैं कुछ कह रहा था लेकिन मेरी लगभग मेरी बात पूरी हो गई थी। संस्कृत की कहानी, पहली कहानी की कहानी। हाँ, वो मतलब बहुत लोग जानते होंगे कि एक राजा था वहां पे, उसके 3-4 बेटे थे और सब के सब निकम्मे थे, किसी शिक्षा में रुचि नहीं है। अब उनको आगे चल के राजकुमार और महाराज बनना है, कोई डिसिप्लिन और मैनेजमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई रुचि भी नहीं। तो राजा बहुत परेशान थे, तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, भाई ऐसा कोई अध्यापक लाओ जो इनको कुछ सिखा दे। तो कुछ लोग डर गए, कुछ लोग राजी नहीं हुए। अंत में विष्णु शर्मा जी ने कहा कि हम इनको सिखाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ये बच्चे 6 महीने कम से कम मेरे साथ रहेंगे, महल में नहीं रहेंगे। तो जब बच्चे उनके साथ रहने लगे तो कहानियों के माध्यम से उन्होंने सबको उस योग्य बना दिया कि वो लगभग हर एक विषय पे अच्छी जानकारी रखने लगे, और आगे चल के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो 3-4 राजकुमारों ने, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये पंचतंत्र की कहानियां की शुरुआत वहां से हुई थी। अब तो उसमें सैकड़ों हजारों कहानियां जुड़ती गई, जुड़ती, और लोगों ने भी कहानियां लिख के पंचतंत्र की कहानियां उसका टाइटल बना दिया। ये सब हुआ। और उसके अलावा जातक कहानियां बहुत अच्छी हैं, हितोपदेश की कहानियां बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी हाँ, और विक्रमादित्य की कहानियां, वो भूत वाली, वो भी अच्छी है। उसमें उसमें कुछ कुछ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर बच्चे खुद कहानियां लिखने लगे तो एक अद्भुत उपलब्धि होगी हमारे लिए। है। देख आप लोग ली कुछ और कहना चाहें, बताना बच्चों। चाहें, जताना चाहें? कोई प्रश्न, कोई समस्या, कोई सुझाव, कुछ भी? बेटा जी ये वाला काम ये वाला ओके। हाँ ये वाला कलर करो, मैं अभी देखूंगी आपका। और एक बात हमें कभी कभी अखरती है शिक्षा प्रणाली में, कि जो हमारे आदर्श होते हैं बच्चों के लिए कि हम ऐसा बनना चाहते हैं, काश हम ऐसे होते, ऐसे हो जाते आगे चल के, उसके उदाहरण बहुत कम उनको दिए जाते हैं। पूरे विश्व में, पूरे इतिहास में हमें चुन चुन के ऐसे चरित्र उनके सामने लाने चाहिए थे, लाने चाहिए, उनके गुण बताएं, उनकी जीवन की कथा बताएं, इस तरह की कहानी भी सुनाएं। सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी बात थी, उसके में हम बताते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उससे पहले हमारे कितने ऋषि हुए हैं, महान हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, आर्यभट्ट हुए हैं, भास्कराचार्य हुए हैं, उनके बारे में भी हम क्यों नहीं बताते? उससे ज्यादा तो बाद में ये भावना पैदा होती है कि जो लोग पुराने हैं और वो तो पिछला जमाना था, अब तो हम बहुत आगे आ गए हैं, जो पुराना है वो बेकार है, जो नया है वो अच्छा है। ये बहुत दूषित मानसिकता हमने पाई है पूरे समाज में। मतलब हम कभी शाश्वत की ओर नहीं जाते कि वो पहले भी ठीक था, आज भी ठीक है, हमेशा ठीक रहेगा। और ऐसा नहीं कि सब कुछ नया आता है तो उसमें उलझ जाते हैं। जो बहुत से डिजिटल बच्चे फंस जाते हैं, आंखें खराब होती हैं, दिमाग खराब होता है, सो नहीं पाते, क्या क्या देखते हैं हमेशा मोबाइल पे, लैपटॉप पे, तो हम समझते हैं कि ये तो अच्छा है, ये तो मॉडर्न बच्चा है, ये तो बहुत आगे कुछ करेगा, लेकिन आगे कुछ करने की उसकी सोच ही नहीं पैदा होती।
वीडियो गेम में उलझ जाता है। वीडियो गेम क्या होता है, एक दूसरे को शूट करते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी वो हो जाता है, तो बहुत सी चीजें एक साथ होना उनके मस्तिष्क में इतना कीचड़ भर देती है कि वो शांत होके सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, फिर बोलना भी भूल जाते हैं। आपस में दोस्तों के साथ बैठते हैं बच्चे तो कुछ कहने को नहीं है, सब लोग अपना अपना मोबाइल लेके देखते हैं, हंसते रहते, एक हंसता है तो दूसरा हंस देता है। ऑडियो ऑफ है, सूरज जी की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। उनको बोलिए म्यूट की है। हाँ हाँ, म्यूट करके भूल गई है। भाभी जी म्यूट है आपकी आवाज। किसकी आवाज मेरी? भाभी की, सुधा सुधा अच्छा भाभी की। अच्छा भाई हमें बोल आवाज आ रही है। रही हाँ है, अब जी आवाज हमें आ आ रही रही है। है। हाँ ऐसा है ना कि हम नौ सीखी है तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। अरे एक बार में बहुत सीख गई, और क्या है, अगली बार बिल्कुल चैंपियन हो इसीलिए जाएंगे इसमें। म्यूट हो गए तो समझ नहीं आ रहा था कि म्यूट हो गए तो फिर कैसे अनम्यूट हो गए। बहरहाल अब सीख रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट टाइम हाँ हम बिल्कुल सही अलर्ट रहेंगे, मतलब उसका कोई इलाज दिक्कत ये है नहीं। कि आप जब तक जरूरत न हो तो कोई बटन न दबाएं। नहीं, कुछ दबाया नहीं भैया, बस हाथ में मोबाइल अच्छा हाँ, मोबाइल में नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही। लैपटॉप पे बैठ के ये करने में ज्यादा अच्छा रहता है, हमको कुछ छूने को हमारे दोनों हाथ खाली हैं, वरना एक हाथ में ये पकड़ो कहीं उंगली से कुछ दब गया तो भी डिस्कनेक्ट हो गए।